और अब बात मेरठ के चुनावी रण की, जहां टेलीविजन के राम यानी अरुण गोविल चुनावी मैदान में हैं। अरुण गोविल के प्रचार में प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण के दूसरे किरदार भी मेरठ पहुंचे। कैसी है अरुण गोविल की चुनावी तैयारी, देखिए TV9 का स्पेशल शो हमारा नेता कैसा है। ये तस्वीरें मेरठ की, जब छोटे पर्दे के राम, लक्ष्मण और सीता खुली जीप पर एक साथ वोट मांगते हुए दिखाई दी। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल भले ही सियासत के मैदान में नए हैं, लेकिन रामायण में राम का किरदार निभाकर उन्होंने जो लोकप्रियता बटोरी है, वो मेरठ में उनके रोड शो के दौरान भी दिखाई दी। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मेरठ के नंदन चौराहे पे मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुली जीप में आप बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल और उनके प्रचार के लिए आए हुए कलाकार सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया, ये भी आपको खुली जीप में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। नंदन चौराहे से होकर ये रोड शो अलग अलग मुरारीपुरम, कैलाशपुरी तमाम इलाकों से होते हुए गुजरेगी और जबरदस्त भीड़ इस रोड शो में देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं एक झलक अरुण गोविल का देखने के लिए। बीजेपी के समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन जो आम जनता है उनका प्यार भी इस रोड शो में उमड़ता हुआ अरुण गोविल के लिए दिख रहा है। इस मौके पर अरुण गोविल ने कहा कि उनको लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो वोटों में भी तब्दील होता दिखाई देगा। माहौल बहुत पॉजिटिव है, मुझे इतना सम्मान मिला है तो मेरे प्रति बहुत उत्साह है उनका चुनाव में। सर, जब आप रोड पे निकले, हर व्यक्ति आपके साथ फोटो लेना चाह रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है, कोई गले में पटका पहना रहा है, बहुत जबरदस्त प्यार वोटों में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, वोटों का प्यार बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। रामायण के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी और सीता यानी दीपिका चिखलिया ने अरुण गोविल के समर्थन में मोर्चा संभाला। सुनील लहरी और दीपिका ने भी मेरठ से अरुण गोविल के पक्ष में वोट करने की अपील की। यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रोड शो में दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि अरुण गोविल के साथ किसी का मुकाबला नहीं है, वो करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। जनता स्वयं मन बना चुकी थी पहले भी कि वो अपनी प्रेरणा से वोट डालने निकलेगी और इस वोट डालने में अब जब लखनलाल आ गए हैं अपने राम के साथ, माता सीता आ गई हैं, तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतने की तरफ पड़ गए हैं। 2 लाख वोट से जीतेंगे और मुकाबला हमारे सामने किसी से नहीं। पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं रोक नहीं सकता, वो देखें, 4 जून को उनका सपना धूल धूसरित हो जाए। जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण, वहाँ बजरंग बली भी जरूर होते हैं और इस रोड शो में हनुमान जी की वेशभूषा में एक बीजेपी का समर्थक भी दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के एक जो प्रशंसक है, ये आपने पूरे शरीर पे नरेंद्र मोदी, योगी बाबा, सबका नाम लिखा हुआ है, अंदर से क्या भावना आई कि आपने खुद को पूरा पार्टी के रंग में रंग लिया है? 2014 से मैं मोदी जी के पूरे प्रचार में, आपने देखा था कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी भी किया था, दूसरी बार भी, और अब ये तीसरी बार है। जैसे कि आप जानते हैं कि 400 पार का है, 400 पार होगा और भारी बहुमत से हमारे जो यहाँ के सांसद अरुण गोविल जी सांसद बनने जा रहे हैं, पूरी जनता का प्यार उनके साथ है। कि हमारे राम, सीता और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वहाँ हनुमान की जरूरत है, तो मैं बद्रीनाथ से अपने उत्तराखंड से हनुमान बनकर इस धरती पर आया हूँ रावण के ससुराल में जी। मेरठ में अरुण गोविल का रोड शो नंद चौराहे से शुरू हुआ और मुरारीपुरम कैलाशपुरी तक गया। हर जगह समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई थी। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी, जबरदस्त प्यार लोगों का मिल रहा है और इनके साथ रोड शो में कलाकार सुनील लहरी और दीपिका जी भी हैं, जिन्होंने लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाया था। अरुण गोविल का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से लोगों का प्यार इन्हें मिल रहा है, इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये प्यार वोटों में भी तब्दील होगा। कुछ समर्थक तो आतिशबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। कभी टीवी पर दिखने वाले राम, लक्ष्मण और सीता जब मेरठ की सड़कों पर देखे तो मानो स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। महिलाएं फूल और आरती की थाली लेकर रोड शो में पहुंच गईं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से खुली जीप में अरुण गोविल और उनके साथ कलाकार सुनील लहरी और दीपिका भी हैं, जगह जगह उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। मैम, आप स्वागत के लिए खड़ी हैं? बिल्कुल खड़े हैं। एक्साइटेड है? बहुत खुशी है भगवान राम के आने से।
चलिए मैम, कितने खुश हैं अरुण जी को देखकर? बहुत ज्यादा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बहुत खुश है। आपको बता दें कि मेरठ में अरुण गोविल का मुकाबला एसपी उम्मीदवार सुनीता वर्मा से, ऐसे में देखना है कि मेरठ किसके नाम पर मुहर लगाता है। सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।